नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 5 मार्च है और आज हम लोग देखेंगे कल यानी 4 मार्च को जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे जो प्रश्न करंट अफेयर के बनते हैं वो सब आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आज का प्रश्न देखने से पहले हम लोग पूछते हैं आपसे, जो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका क्या जवाब है। तो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है। ऑप्शंस थे आपके सामने, सिंगापुर एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, थाईलैंड एयरलाइन या भारतीय एयरटेल। ये भारतीय एयरलाइन होना चाहिए, भारतीय एयरटेल लिखा गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, एमिरेट्स एयरलाइन। अभी हाल ही में एमिरेट्स एयरलाइन सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। ऑप्शंस है ए भोजपुर, बी पटना, सी औरंगाबाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए भोजपुर। ये पिछले 2-3 क्लास पिछले इस प्रश्न को एक बार बताए भी थे, आज ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। तो बिहार के भोजपुर जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच यानी इन 2 दिनों में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का क्या नाम है? श्री अन्न महोत्सव। पिछले क्लास में जो हम इस प्रश्न को लिए तो उसमें महोत्सव का नाम नहीं लिया गया था, कौन सा महोत्सव है। यहाँ पे नाम है, इस महोत्सव का नाम है श्री अन्न महोत्सव। मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए है श्री अन्न महोत्सव। ये बिहार के भोजपुर जिले में मनाया गया, कब कब? 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच। चलिए आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है। ऑप्शंस है हेकानी जखालू, इलियानी डिमोना, जियानी मेलोनी या जूनियन जांग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हेकानी जखालू। हेकानी जखालू ऑप्शन ए है। इन्होंने इतिहास रच दिया है। अभी नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है, क्या नाम है इनका? हेखानी जखालू नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। अच्छा, ये किस सीट से और किस पार्टी से हैं ये जानना जरूरी है। तो हेखानी जखालू जो है दीमापुर 3 सीट से चुनाव जीता, दीमापुर 3। ये किस सीट से जीती हैं इसको लिखना है यहाँ पे, देख लीजिए। दीमा उनका तस्वीर है, आप सामने देख सकते हैं हेखानी जखालू का, दीमापुर 3। ये इस सीट से जीती हैं ये और ये पहली है, उस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। ये किस पार्टी से है? बीजेपी से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागालैंड की पहली महिला विधायक बीजेपी से दीमापुर 3 सीट से जीती है हेकानी जखालू। अब आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का, आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। ऑप्शंस है ए भारत, बी चीन, सी जापान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए भारत। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता किस देश में है? भारत में है ना, भारत में। चलिए अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं आज का, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। ऑप्शंस है ए पुणे, बी ऋषिकेश, सी गुवाहाटी या डी भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऋषिकेश, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऋषिकेश। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है ऋषिकेश में। ये भी चल ही रहा है, उत्तराखंड पर्यटन द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 से 7 मार्च के बीच में जो ऋषिकेश में होता है वो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 से 7 मार्च के बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, कहाँ? उत्तराखंड पर्यटन के द्वारा। चलिए, तो ये ऋषिकेश में अभी आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूलर कंडेंसर चालू किया है।
ऑप्शन है ए IOCL, बी ONGC, सी NTPC या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी NTPC। अभी हाल ही में NTPC ने भारत का पहला एयर कूलर कंडेंसर चालू किया। यहाँ NTPC का मतलब क्या होता है? नेशनल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है, देख लीजिए NTPC। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शंस है डी गुकेश, बी में है आर प्रज्ञानंदना नंधा, सी आर्यन चोपड़ा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डी गुकेश। एशियाई शतरंज महासंघ ने भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को पिछले साल, ये याद रखेंगे आप, महाबलीपुरम में हुआ था, महाबलीपुरम पिछले साल महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में, कौन से ये भी याद रखेंगे, 44th शतरंज ओलंपियाड, 44वें शतरंज ओलंपियाड में रिकॉर्ड स्कोर 9/11 से स्वर्ण पदक जीतने के लिए, इसका इनका स्कोर था 9/11। इस स्कोर से जीतने से, स्वर्ण पदक जीतने के कारण इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला तो ये कि एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? जी तो डी गुकेश उसका आंसर होगा। किस कारण से दिया? तो इन्होंने पिछले साल 44वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था और ये कहाँ हुआ था? महाबलीपुरम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? ऑप्शन है क्रेग फुल्टन, हेरोल्ड क्रेज, फ्रेड सोयज या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए क्रेग फुल्टन। ऑप्शन ए क्रेग फुल्टन। अभी हाल ही में क्रेग फुल्टन भारतीय हॉकी मेंस हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। इनसे पहले टोक्यो ओलंपिक में जो ये थे क्रेग फुल्टन, वो बेल्जियम के सहायक कोच थे, बेल्जियम के सहायक कोच भी रह चुके हैं और अभी ये भारत के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच भी रह चुके हैं, मुख्य कोच बने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं आज का क्या है। हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? ऑप्शन से ए नरेंद्र मोदी, बी सर्वानंद सोनोवाल, सी डॉक्टर मनसुख मांडविया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी सर्वानंद सोनोवाल। अभी हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन, पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इस एक्सपो का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन है ए गुरुग्राम, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक अभी कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में हुआ है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी जयपुर, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब भी सी नई दिल्ली ही है। अभी हाल ही में पूसा कृषि मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस बार पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023 का आयोजन 2 से 4 मार्च तक, कब से हो रहा है, कब तक? 2 से 4 मार्च तक हो गया है, 4 मार्च कल खत्म हुआ है।
ग्राउंड पूसा नई दिल्ली में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? ग्राउंड मेला, ग्राउंड पूसा, मेला ग्राउंड पूसा, मेला ग्राउंड पूसा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन 2 से 4 मार्च तक हुआ। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आपका प्रश्न है, हाल ही में किसने नासा की क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए इसरो, बी जाक्सा, सी स्पेसएक्स या डी सीएनएसए। इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भेजिए। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप ज़रूर कमेंट करिए। कमेंट बहुत लोग कम करते हैं, कुछ लोग आधी वीडियो देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रहते हैं इसमें, और आपको ज़रूर ये सभी प्रश्न लड़ेंगे आपके एग्जाम्स में। आप एक बार देखिए, और पूरे फरवरी मंथ का करंट अफेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप देखिए पूरे मंथ का करंट अफेयर, 200 से ज़्यादा प्रश्न हैं उसमें, तो उस प्रश्न को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डेली हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय।